अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुड़ का पराठा। बहुत टेस्टी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले कभी किसी ने नहीं बनाया, बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं गुड़ का पराठा। तो जितना खाना है उतना बनाइए, हमेशा कम चीज़ ही बनाइए जो ज़ाया नहीं हो। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है गुड़ का पराठा। तो इसे थोड़ा सा लंबाई में हम बेल लेते हैं। डालेंगे गुड़, जितना मीठा आपको पसंद है उतना गुड़ डाल लीजिए। अब बना ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल लेते हैं ताकि मजे का तो बने। तो ऐसे इसे तोड़ लेते हैं हाथ से गुठलियां। आपको जितना बेलना है आपको पहले ही बेलना है, गुड़ डालने के बाद आप इसे बिल्कुल नहीं बेलेंगे ऐसे। और इसकी साइडों को करना है हमने बंद थोड़ा। ऐसे इसकी साइडों को बंद कर लेंगे, ऐसे इस पे ये लॉक भी हो जाएगा और इस पे बहुत अच्छा सा डिजाइन भी आ जाएगा। चाहें तो फिर इसे फोक से ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। ये अच्छे से सारा लॉक हो गया है। तो अब इसे करते हैं फ्राई। हाँ, मैंने ये गुड़ का पराठा डाल दिया है और इसे मैं पलट रही हूँ। हल्का हल्का प्रेस कर लें। ये काफी थोड़ा थिक है, मोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमी आंच में बना रही हूँ। और अब इस पे डालते हैं घी, गुड़ और देसी घी। वाओ, बहुत मजे का बन जाता है। दूसरी साइड से भी ऐसी फ्राई करते हैं। तो ये पराठा भी हो गया रेडी। तो यहाँ हम बना रहे हैं अंडा पराठा। तो अंडा पराठा बहुत सारे तरीकों से बनता है। यहाँ अंडा मैंने फेंट लिया है, इसमें कुटी हुई मिर्चें, जीरा, नमक मिर्च जो मैं डाल रही हूँ, शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी इसे ऐड कर देंगे और जनाब इसे कर लेंगे मिक्स। अंडा है रेडी और अब बनाते हैं पराठा। पराठा भी काफी शेप से बनता है, आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना लीजिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चकोर पराठा। तो यहाँ पे ले लिया है घी। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बन जाता है, लेकिन अब पराठा खाना ही है तो ज़रा घी ही लगा के खाएं। इसको कर देंगे ऐसे फोल्ड, इसे भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे फिर ऐसे घी लगा देंगे।
ऐसे और फिर ऐसे। अब डालते हैं खुश्क आटा और दोबारा से इसे प्रेस करके फिर से बेल लेंगे और अब इसे बेल लेते हैं। जी पराठा तो यहाँ पे बेल कर तैयार हो गया है, चलिए अब इसे बना लेते हैं। यहाँ तवा गर्म हो चुका है, और साथ ही अब डालते हैं इस पे घी। और अब इस पराठे पे हम डाल देंगे अंडा। तो हमारे दोनों पराठे बिल्कुल रेडी हैं, अंडा पराठा और ये इसकी लेयर्स। और ये है हमारा गुड़ का पराठा, तो इसको भी तोड़ते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है, इसे मैं काट लेती हूँ नाइफ से। और ये देखिए, वाओ इतना मेल्ट हो गया है गुड़, और इतने मज़े का ये पराठा। मैं इंजॉय करती हूँ अपने ये पराठे और आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।